हेलो गाइस, मैं हूं शाहिद, मैं हूं गुलजार, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी एम थेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो अंकित अवस्थी सर की है, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। तो हिंदी में लिखा टाइटल देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते रिएक्शन। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ कश्मीर में ऐसा होने जा रहा है जिससे निपटने के लिए भारत के सबसे बेहतरीन कमांडोज में से एक मार्कोस और एनएसजी कमांडोज को यहां पर अपॉइंट किया जा रहा है, यहां पर कुछ कार्य के लिए भेजा जा रहा है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे आपको, लेकिन उससे पहले कुछ बातें याद दिला दें। आपको याद होना चाहिए, कुछ समय पूर्व हमने आपको बताया था कि भारत को लेकर जो पाकिस्तान का डर था वो सही निकला। किस विषय पर? भारत ने G20 कश्मीर में आयोजित करने का कैलेंडर जारी कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए 22 मई से लेकर 25 मई के बीच में कश्मीर के अंदर G20 देशों की बैठक होने वाली है, जहां पर G20 नेशंस की तरफ से जो उनके पर्यटन से संबंधित मंत्री हैं वो उपस्थित होंगे। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के द्वारा अभी से ही अपना सिग्नेचर देना शुरू कर दिया है, चाहे पुंछ के अंदर हुआ आतंकी हमला हो जिसके बदले में कश्मीर की जनता जो है वो एक सौहार्द की मिसाल पेश करती दिखाई दी थी, या फिर हाल ही के समय पर पाकिस्तान के द्वारा ओपनली यह स्वीकार किया जाना हो कि कश्मीर में होने वाले इस इवेंट को वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज करेगा, यानी कि वो बताएगा कि पाकिस्तान के मतलब कश्मीर के खिलाफ किस प्रकार से इंडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान ने साफ साफ ये कहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे को फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना उठाएगा ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी वहां आ रही है उसे ये पता चले कि जो कश्मीर यूएन के मध्य में या यूएन के पास में विवादित स्थान के रूप में रजिस्टर्ड है, वहां पर इंडिया किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को कैसे आयोजित कर सकता है। अब संभव है कि इस समय पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिसके चलते कश्मीर में अलगाववाद या बगावती जो लोग हैं वो कोई ऐसी हरकत कर दे जिससे G20 लोगों को ये लगे कि देखिए कश्मीरी ही परेशान है इस बात से, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में कश्मीर के अंदर रह रहे हुर्रियत के नेताओं के द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी जो है उसको लेटर भेजकर कहा गया है कि आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ ने आश्वासन देते हुए कहा है कि आप चिंता मत करिए, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस विषय को कि इंडिया किस प्रकार से कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय देशों को इकट्ठा करने के मंच के रूप में एकत्रित कर रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है, और हम पूरी तरह इसको प्रोपोगेट करेंगे। अब इस स्थिति में दो स्थितियां बनकर आती हैं कि एक इंडिया के केस में पाकिस्तान संभव है चालाकी क्या चल सकता है कि वो दुनिया के सामने दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सारा विरोध दर्ज करा सकता है कि देखिए ये क्या गलत कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए। दो चार देशों को भड़का भी सकता है, संभव है चीन को भड़का दे कि देखो आपको नहीं जाना चाहिए यहां पर, सऊदी को भड़का दे कि देखो आपको नहीं जाना चाहिए यहां पर G20 के मेंबर्स की बैठक में। एनीवे, दूसरी जो बात यहां पर इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो कश्मीर में रह रहे जो लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, जो बरगलाने में तुरंत चले आते हैं, उन्हें भी भड़का सकता है कि तुम लोग कुछ ऐसी हरकत कर दो जिससे कि लोगों का ध्यान चला जाए तुम्हारी तरफ कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये दोनों बातें निकलकर आती हैं तो इनसे निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारी कर ली है। जब हमने अपनी तैयारी कर ली है तो हमने अपनी तैयारी में मराइन कमांडोज और आर्मी जो है वो G20 की बैठक से पहले श्रीनगर में नियुक्त करने भेज दी है। मराइन कमांडोज जिन्हें आप मार्कोस के नाम से जानते हैं, एनएसजी कमांडोज टू बी डिप्लॉयड टू सिक्योर G20 मीट इन कश्मीर, आप यहां पर सुर्खी देख सकते हैं, मराइन और एनएसजी कमांडोज टू बी डिप्लॉयड टू सिक्योर G20। अब आप पूछेंगे इनके करने से क्या हो जाएगा। साथियों आज ना हम इनके बारे में जानेंगे कौन है हमारे देश के ये मराइन कमांडोज जिन्हें मार्कोस कहते हैं और एनएसजी कमांडोज जिन्हें ये माना जाता है कि दुश्मन के 1000 सिपाही एक तरफ, एक हमारा सिपाही एक तरफ, क्योंकि इनका सिलेक्शन ही 10,000 में से पहले 1,000 में आना होता है और फिर 1,000 में से एक में आना होता है, तब जाकर के बनकर आता है मार्कोस। कहते हैं कि मार्कोस और एनएसजी, मार्कोस होने को तो नेवी के कमांडोज हैं लेकिन ये एयरफोर्स की एक्टिविटीज, नेवी की एक्टिविटीज और थल सेना की एक्टिविटीज तीनों को बखूबी निभाना जानते हैं, यानी इन्हें कहीं पर भी उतारा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो पानी के अंदर साइलेंटली डूबकर, यानी जैसे वहां डल लेक है तो डल लेक के अंदर कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए तो संभव है कि मार्कोस वहां पर तैनात रहकर किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए पानी में डाइव लगाकर उस स्थिति से निपटाया जा सके। ऐसे ही एनएसजी कमांडोज, तो इनको यहां पर तैनात किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य होगा आज के सेशन में हम समझेंगे। आज के सेशन में हम चर्चा करते हैं और बताते हैं कि मराइन एंड एनएसजी कमांडोज विल बी डिप्लॉयड टू सिक्योर द वेन्यू The G20 working group meeting scheduled to be held in Kashmir later this month, 22 से 25 मई के
के बीच में जो होने वाली बैठक है उसको कंप्लीट करने के लिए इन कमांडोज को भेजा जा रहा है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर अगर हम यूनियन टेरिटरीज 370 हटाने की अगर बात बाद में बात करें, तो हमारे देश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो यूटी नए बन के आए थे। उनमें से जम्मू कश्मीर जो है उसकी राजधानी श्रीनगर के अंदर ये बैठक आयोजित की जानी है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि जो भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे वहां पर सिक्योरिटी रिव्यू पहले से ही किया जा रहा है और पोटेंशियल टेरर अटैक्स जो पॉसिबल हैं उनसे निपटने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, दो प्रकार के यहां पर टेरर अटैक संभव है। पहला एक अटैक संभव है जो अभी हाल ही में पुंछ के दौरान हुआ। पुंछ में क्या हुआ था, मतलब आर्मी के एक व्हीकल के ऊपर आतंकियों के द्वारा गन फायर किया गया था, ग्रेनेड से हमला किया गया था। दूसरी स्थिति क्या है जो कुछ समय पूर्व आपने पुलवामा में सुनी थी, क्या कि जाते हुए सेना के काफिले के ऊपर एक गाड़ी के अंदर आरडीएक्स लोड करके लाए गए और उसे गाड़ी से टकरा दिया गया। तो ये दो प्रकार की स्थितियां हैं जो यहां संभव है। इन दोनों से निपटने के लिए ही असल में स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है। ये जो व्हीकल के अंदर भरकर के लाने वाली चीजें हैं ना, इन्हें वीबीड के नाम से जाना जाता है। आप इधर देख सकते हैं, व्हीकल बॉर्न इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, यानी कि व्हीकल्स में एक्सप्लोजिव भरकर के लाना और उन्हें किसी भी जगह टकरा देना, कुछ इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे निपटने के लिए यहां पर कोशिशें की जाएंगी। यानी कि ऑलरेडी पता है कि जो पुलवामा में हुआ था वैसा दोबारा ना हो जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा की जो गारंटी है वो दुनिया को लगे कि हाँ इंडिया ने वादा किया था जो निभाया है। साथियों, आपको मैं याद दिला दूं, जिन मार्कोस की हम बात कर रहे हैं, सुनने में आपको मार्कोस और एनएसजी केवल एक सुर्खी लग सकते हैं, लेकिन एक मार्को बनने में कितना समय और कितना पोटेंशियल, कितना टैलेंट इन्वॉल्व होता है, उसकी बयानगी आप इन बयानों से देख सकते हैं कि देश में चाहे आतंकवाद हो, नेवी ऑपरेशन हो, एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, इन सबसे निपटने में जिन कमांडोज का उपयोग किया जाता है उनमें आते हैं मार्कोस। मार्कोस से पहले एनएसजी का गठन हुआ था, मार्कोस 1987 में गठन हुआ था। अगर आपको कभी कुछ पढ़ने का मौका मिले तो मार्कोस के बारे में काफी सारी जिक्र जो है वो न्यूज मीडिया में भी है, बुक्स में भी है, और उनमें यह जानकारी लिखी जाती है, मतलब कई जगह मुझे ऐसे आर्टिकल्स मिले जिन्हें मैंने यहां पर कोट नहीं किया है। कहते हैं कि जब इंडिया आए थे ओबामा, तो अमेरिका की फोर्सेस ने जिस हमारी सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा की मांग की थी कि इंडिया के मार्कोस अगर हमें सुरक्षा प्रोवाइड करा दें तो दैट इज नथिंग लाइक इट, यानी कि उससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसी फीलिंग्स थी उनकी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया में जो सबसे, मतलब एक तरह से समझा जाता है कि सब तरह के सबसे निपटने वाले जो कमांडोज जाने जाते हैं वो नेवी के, अमेरिकन नेवी के सील कमांडोज होते हैं, उनके उनसे भी कई मामलों में बेहतर है हमारे मार्कोस कमांडोज। तो ये मार्कोस कमांडोज जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है द फ्यू द फियरलेस, ठीक है ना। इनके सेना के अंदर मतलब बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल फियरलेस होते हैं। इनके अगर आप मतलब फोटोज पिक्चर्स इनको ऑपरेट करते हुए देखेंगे तो खुद से ही गूजबम्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। हर प्रकार की गतिविधि के लिए ये पूरी तरह चौकन्ने और तैयार रहते हैं। इन्हें चाहे कितनी भी क्रिटिकल स्थिति में, चाहे बर्फ हो, चाहे पानी हो, चाहे जहां हो, आप इन्हें उतार सकते हैं। द फ्यू इज द फियरलेस, ये इनका मोटिव वाक्य है, और इन्हें कश्मीर में तैनात किया जा रहा है, और कश्मीर में तैनात करने की खास वजह है ताकि आतंकियों में पहले ही ये डर बिठा दिया जाए कि यदि ये आ गए तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो गतिविधियां हैं या इनके जो आतंकियों का जो प्रयास है भारत को मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने का, उसे चेज करने के लिए मार्कोस की नियुक्ति यहां पर की जाएगी। मैं मार्कोस के बारे में थोड़ी आपको जानकारी और दे दूं। जानकारी यह है कि इन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, और इनकी ट्रेनिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जानने में भी बड़े ही, मतलब सोचने में ही टेंशन क्रिएट कर देती है। जैसे इनकी ट्रेनिंग के अंदर एक पार्ट होता है हालो और हाहो। ये हालो और हाहो नाम की जो ट्रेनिंग है, इसमें हालो के अंदर जवान को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना पड़ता है, जबकि जो हाहो है इसमें 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जवान को कूदना पड़ता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को खोलना होता है। यानी मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिस चीज को करने के लिए, स्काई डाइविंग करने के लिए लोग विदेश जाकर पैसे खर्च करके आते हैं, वो काम इन्हें रेगुलर रूटीन में इतनी ऊंचाई से करना होता है कि वहां पर जाता हुआ प्लेन और फाइट फ्लाइट भी दिखाई ना दे,
इतनी ऊंचाई से स्काई डाइविंग वगैरह नहीं कराई जाती है जितनी ऊंचाई से इन लोगों को ड्रॉप कराया जाता है। 11 किलोमीटर ऊंचाई आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा कि ऊपर प्लेन है भी या नहीं है, और आप सोचिए उस जगह से कमांडो को कुदा दिया जाता है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ऊपर से आपके लिए काल बनकर कौन आ रहा है, यह है मार्कोस कमांडो। साथ में इनकी ट्रेनिंग के अंदर इनको अपने कंधे पर 25 किलो का भार लेकर और कीचड़ में अपनी कमर तक अपने आप को दबाकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। आप इससे अंदाजा लगाइए, 25 किलो वेट आपके कंधे पर, कीचड़ के अंदर आप कमर तक धसे हुए हैं, आपको चलना इतना मुश्किल है कि आप प्रॉपर निकल जाएं वो अपने आप में एक चुनौती है। उस बीच में आपको कंधे पर वजन लेकर 800 मीटर की दौड़ लगानी है। ये इनके ट्रेनिंग के कुछ ऐसे हिस्से हैं, आप किस्से हैं जिन्हें सुनकर ही आपको गूज़बम्स आने चाहिए। ये इनका जो एम्बलम है या फिर जो इनका पहचान से चिन्ह है आप उसे यहां देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये किस किस प्रकार से हर चीज के लिए, चाहे फिर वो नेवी हो, चाहे फिर वो एयरफोर्स हो, चाहे वो थल सेना हो, सबके लिए सज्ज हैं, ठीक है ना। तो ये मार्कोस की आपने कहानी और पिक्चर सुनी। इसके साथ साथ अब दूसरे जो कमांडो यहां भेजे जा रहे हैं वो है हमारे एनएसजी कमांडोस। साथियों एनएसजी कमांडोस को आपने अक्सर कुछ इस प्रकार से देखा होगा, जिन्हें देखकर फीलिंग आती है कि यार ये तो ब्लैक कैट कमांडो है, है ना। तो एनएसजी के जो हमारे कमांडोज होते हैं जिन्हें आप सिर से लेकर पांव तक बिल्कुल काले कपड़ों में ढके हुए देखते हैं, इसके पीछे का बड़ा कारण होता है ये अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। पहचान जाहिर नहीं करना चाहते उसके पीछे का कारण क्या है, ताकि दुश्मन को झुटलाया जा सके। असल वाइज में क्या होता है कि ये लोग बहुत कम होते हैं, कम हैं तो संभव है कि कोई इनके साथ में कभी किसी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे दे जिसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए ये काम करते हैं। और एनएसजी जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, इसमें नियुक्ति लेना अपने आप में बहुत टफ है। जैसे कि नेवी के अंदर से हमारे मार्कोस बन के आते हैं, ऐसे एनएसजी जिसका गठन 1984 में आतंकवाद से निपटने के लिए किया गया था, कहते हैं कि इसमें एंट्री लेने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं है। इसमें एंट्री लेने का जो तरीका है वो कम से कम आपको 10 सेना के अंदर 10 साल का अनुभव होना चाहिए। नंबर एक, जो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी है वही मैं आपसे साझा कर रहा हूं, मेरे पास में कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। मैं जो न्यूज चैनल्स में पत्र पत्रिकाओं में लिखा हुआ है वो आपसे साझा कर रहा हूं। उनमें से कहा गया है, पत्र पत्रिकाओं में चर्चा है कि इनके लिए कहा जाता है कि जब इन्हें मतलब एंट्री दी जाती है तो कहा जाता है कि 53% एनएसजी के कमांडो ऐसे हैं जिन्हें इंडियन आर्मी से चूज किया जाता है, और 45% हमारे एनएसजी कमांडोज ऐसे होते हैं जिन्हें सीआरपीएफ, आरपीएफ, आईटीबीएफ, बीएसएफ आदि इनसे चुना जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में से चुन करके निकाला जाता है। इनकी खासियत है, इनका मोटिव वाक्य है क्या, नेवर से गिव अप, यानी छोड़ना नहीं है। यानी कि अगर वो कह दिया ना जब तक मतलब कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये उस प्रकार के मोटिव वाक्य से प्रेरित रहते हैं। आप इन्हें अक्सर बड़े बड़े जितने हमारे राजनेता हैं या फिर देश में हुए ऐसे आतंकी हमले हैं उनमें आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के साथ में आपको जो कमांडोज, हालांकि फिलहाल एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की फोर्स होती है, लेकिन एनएसजी की सुरक्षा भी वहां पर उपलब्ध रहती है, ठीक है ना। इन्हें आप बहुत सारी, जैसे अगर ताज की बात की जाए तो ताज पर जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था हमारे देश में, पाकिस्तान द्वारा करवाया गया था, उस समय भी हमारे मार्कोज ने और एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला था और आतंकियों को यहां से मतलब पूरी तरह से जमीन के सुपुर्द कर दिया था, ठीक है ना। तो अब आप इस बात की आवश्यकता समझ लीजिए, क्योंकि ये वो ऑफिशियल कटिंग है जिसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री इस पूरी प्रक्रिया को एक्सपोज करने की, लोगों के सामने लाने की कोशिश करेगी कि भारत में G20 कश्मीर में नहीं होना चाहिए। यह पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर है जिसे आप देख सकते हैं। और इसके पीछे का बड़ा वजह क्या है कि यहां के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अलवी, उनके पास भारत की तरफ से जो हमारे जो मतलब देश में ही रह करके देश के प्रति अलगाव रखने वाले हुर्रियत के नेता हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखकर कहा गया है, पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से महमूद असफ अहमद सागर के पत्र का आधार मानते हुए कि कश्मीर में ही अलगाववादी नेता, हुर्रियत के नेता जो हैं उनमें से एक नेता असगर ने, महमूद अहमद सागर ने अपने द्वारा एक पत्र लिखकर पाकिस्तान से मदद मांगी है कि आप लोग इस मसले को उठाइए, देखिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो भाई ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो G20 के अंदर अगर कश्मीर में होता है तो इससे हुर्रियत के अंदर भी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बारे में लोगों को पता चल जाए।
कैसे पता चल जाए? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और कश्मीर के हुर्रियत नेता कश्मीर को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए यहां पर कितना ज्यादा दमन हो रहा है, देखिए यहां पर कितनी ज्यादा लोगों के साथ में नाइंसाफी की जा रही है। उन चीजों को देखना दिखाने के लिए पर्यटन से संबंधित जो मंत्री हैं उन्हीं को ले जाकर कश्मीर दिखाया जा रहा है कि आप आइए कश्मीर में G20 आयोजित करिए, दुनिया के आप 20 इकोनॉमीज। और देखिए जब भी इस तरह की बैठकें आयोजित होती हैं, चाहे दोहा के अंदर फीफा का आयोजन हुआ, दुनिया ने आकर के दोहा देखा, ऐसे ही जब कश्मीर में G20 आएगा, दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज इंडिया में उपस्थित होंगी, तो ऐसी स्थिति में दुनिया भी जानेगी कश्मीर को रियल में स्वर्ग क्यों कहा जाता है, और यह भी जानेगी कि भारत ने वहां पर डेवलपमेंट के क्या क्या कार्य किए हैं और कश्मीर भारत का कैसे अभिन्न अंग है, यह भी दुनिया को वहां से पता चलेगा। उनके साथ आए हुए रिपोर्टर्स भी यह जान पाएंगे, वो अपने कैमरे में कैद करेंगे कि कश्मीर कितना मायने रखता है, ठीक है ना। तो यह सारी चीजें हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। हाल ही में पुलिस ने या फोर्सेस ने अपने द्वारा सुरक्षा को पूरी तरह से करते हुए 14 मैसेजिंग एप्लीकेशंस जो जम्मू कश्मीर में हैं टेरर ग्रुप से संबंधित हैं उन्हें बैन किया है, जिनके चलते वो लोग बातचीत तो कर रहे थे लेकिन गुमनामी में कर रहे थे। ये क्रीप वाइपर, एनिग्मा, सेफ स्विस ऐसे एप्लीकेशन थे जिनके माध्यम से लोग आपस में इंटरनेट कॉलिंग कर रहे थे बिना अपनी पहचान को उजागर किए। इन एप्लीकेशंस पर हाल ही में बैन लगाया गया है। और ताजा अपडेट 3 मई का यह है कि 2 टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मारे गए हैं। तो इस प्रकार से वो लोग भी, यानी हुर्रियत और पाकिस्तान भी, कोशिश तो ये करेगी कि कैसे कश्मीर को लोगों के सामने एक प्रोजेक्ट किया जाए कि देखिए यहां कितनी अशांति है, और भारत की पूरी कोशिश यह रहेगी अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह दिखाने के लिए कि कश्मीर कैसे भारत का अभिन्न अंग है। ये दोनों ही चीजें होंगी। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या, अपडेट आपको इस प्रकार की जानकारी के देते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे एक क्वेश्चन यहां पर प्रीवियस ईयर का है वो साझा किया गया है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक गुजारिश है कि चैनल के राइट हैंड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके हमारे साथ हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में सुन लीजिए साथियों, हमारी अपनी एप्लीकेशन अपनी पाठशाला जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स पर पिन किया हुआ है, उस पर फिलहाल आपके लिए लास्ट 1 महीने का करंट अफेयर्स ईबुक के फॉर्मेट में उपलब्ध करा दिया गया है। ईबुक्स हिंदी में अलग हैं और इंग्लिश में अलग हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर ईबुक सेक्शन के अंदर ही आपको 30 रुपए मात्र, यानी 1 रुपए प्रतिदिन की कीमत पर आपको हिंदी और इंग्लिश में ईबुक्स उपलब्ध कराई गई हैं। आप उन्हें वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हजारों की संख्या में विद्यार्थी हमारे पेड कोर्सेज में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन और भी बहुत से हमारे पास नित्य कॉल आ रहे हैं, जो विद्यार्थी हमारे साथ हमारे पेड कोर्सेज में जो नया बैच आ रहा है उसमें जुड़ना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि हमारा नया बैच सारथी के नाम से आ रहा है। तारीख अभी तक डिसाइड नहीं है, जैसे ही तारीख आएगी आप उस दिन उस बैच में अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। केवल 7 दिन तक ही आप हमारे नए कोर्स में एनरोल हो पाएंगे, और उसमें हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बिल्कुल जीरो से एकदम फाउंडेशन लेवल से कंप्लीट करवाएंगे। आप उसके अंदर अपने आप को एनरोल कर पाएंगे, लेकिन केवल 7 दिन का टेन्योर रहेगा आपके पास करने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम उस पर क्लासेस कैसे लेते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर हमने कुछ फ्री में डेमो वीडियोस भी डाले हैं, आप उन्हें एक बार देख सकते हैं, डेमो क्लासेस को समझ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, ठीक है ना। ये हमारी बुक्स हैं जो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और हाँ, RNA की जो करंट अफेयर जो हम रोज बनाते हैं आपके लिए ई बुक फॉर्मेट, तो ये कश्मीर के रिलेटेड जो G20 सेगमेंट हो रहा है उसके 22 से 25 उन्होंने शेड्यूल भी पेश कर दिया है, और उसको हैंडल कैसे करना है ये वो बता रहे थे। चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, जैसे भी हमले किए जाएं, उसके लिए बचने के लिए ऐसा इंडिया निज़ाम ला रहा है जैसे वो अपने फोर्सेस ला रहा है। मैं तो कहता हूँ ये 100% होगी उधर सेगमेंट, वो जैसे उन्होंने कहा तो करके दिखाएंगे भाई। बात ये है मोदी सर, ये जो सिक्योरिटी दिखाएगी है ना, अंकल सर ने 2 सिक्योरिटियों का नाम लिया है, मैं कहता हूँ इसके आगे भी कोई भी दहशतगर्द टिक नहीं पाएगा। उन्होंने दस बोला था यार के एक फौजी हो इंडिया का और सामने 10,000 फौजी हो, ऐसा 1,000 का था, तो तब भी ये बारी है, एक फौजी ये बात हजम नहीं हुई यार।
मुझे क्यों नहीं हजम हुई, कहाँ फंसी, गले में फंसी है, पेट में फंसी है कुछ? मैं भी जरा अपने फौज का इसलिए दे दूं इंट्रो, क्योंकि मैं खुद फौजी बनना चाहता था और मुझे काफी इन्फॉर्मेशन है उनका ना, सिक्योरिटी जो है ना उसकी जो ट्रेनिंग आपने जो आम फौजी है वो इतनी ट्रेनिंग नहीं करता है इन चीजों से निपटने के लिए। 11 किलोमीटर ऊपर से जो बातें मुझे हजम नहीं हो रही वो दो है, एक ये और एक और है। एक उन्होंने दौरान गुफ्तगु कहा कि अमेरिकन ने कहा कि अगर हमें इंडिया की ये फोर्स जिसका ये नाम ले रहे हैं मार्कोस मिल जाए तो हमें सेफ्टी महसूस होती है पूरी दुनिया से ज्यादा इन लोगों के लिए, तो वो इतने काबिल होंगे जो असद भाई। काबिलियत की जरा मिसाल देता चलूं भाई, मिसाल देता चलूं, उनकी ये स्पेशल फोर्सेज है ना, स्पेशल टास्क फोर्सेज होती हैं जिन्हें कुछ खास टास्क दिया जाता है। तो हमारे यहाँ यहाँ पर एक बोले जाते हैं ब्लैक कोस्ट कमांडो जिसे गुरिल्लास कहते हैं। मेरे भाई आप तो कहते हैं ना कि आपके 55% जो है लोग वो आर्मी से आते हैं, मेरे भाई हमारे जो ये कमांडो बनते हैं ये बनते ही आर्मी से, कोई और फोर्सेज में इन्वॉल्व भी नहीं होते, वहीं से सिलेक्ट होते हैं और इनकी आगे ट्रेनिंग शुरू। भाई मार्कोस भी वो कह रहे थे कि पहले 10,000 में आते हैं, फिर 1,000 में आते हैं, फिर 1,000 में एक बनता है। तो यहाँ 10,000 में सिर्फ एक मार्कोस कमांडो बनता है, तुमने गौर से नहीं देखा? मैंने बिल्कुल सुना भाई को, और पहली बात ये करता और वो तीनों सेगमेंट के बारे में सिचुएशंस में काम करते हैं। असल मौजू ये था G20 सेगमेंट का कि कश्मीर में हो रहा है, तो मेरे भाई होगा या नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया ने करवाना है तो करवाएंगे, नहीं करवाएंगे पाकिस्तान को इससे मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई खास होने वाला है कि या हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, तुम्हें नहीं पता क्या ये तो एक पॉलिटिकल बयान्स होते हैं जो उधर से तुमने कहा क्या होगा मुझे ये बता। पाकिस्तान का बैन ही खत्म जब G20 समिट उधर होगा ना, जो पाकिस्तान ये कहता है उधर इंडिया जो है कश्मीर के लोग मकसद ही यही है भाई मेरे कि ये साबित करना है। अच्छा, और ये करके दिखाएंगे। अच्छा, मान लो आपका जो प्रोपेगेंडा मेरी बात सुन ले मैं आपकी जबान में कहता हूँ, ये मान के चलो कि पाकिस्तान ये कहता है कि मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा ही मान के चलो, तो मेरे भाई अगर ऐसा है तो आप तो कहते हैं ना कि आप एक जवान 1,000 के बराबर है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो वहां पर दाखिल हो गए मेरे भाई तो बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। अगर पाकिस्तान चाहता है, पहली बात ये है कि अगर पाकिस्तान वाकई में चाहता है जिनकी बात किस मुद्दे की बात कर रहा है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कोबरा जो है कमांडो की बात कर, अगर ये वहां पर पड़ गए तो उसका नाम क्या है फोर्स का आपकी का, ब्लैक फोर्स कमांडो जिसे गुरिल्लास कहते हैं। अच्छा वो कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर फतह हो जाएगा? फतह नहीं हो जाएगा, ये जो कहते हैं ना कि हमारा एक जवान 10,000 के बराबर है तो वो वहां पर तो ये गुरिल्ला किधर थे जब 93,000 सरेंडर किए? ये आम रूटीन पर नहीं आते मेरे। अच्छा ये कहाँ छुपा के रखते हैं ये मेरे भाई? जो यार इससे बड़ी रूटीन क्या है कि आपका मतलब दो टुकड़ों में बटने वाला है आप पर मेरे तो आप छुपा के रखा। ये गुरिल्ला इतने काबिल होते तो कश्मीर जब कभी का पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता? हाँ जी भाई गुलजार, बात आपकी बहुत प्यारी है लेकिन मैं इसको एक तरीके से आपको बयान कर दूं, अगर ऐसे मामलात के लिए ये फोर्स इस्तेमाल होने लगे ना तो कश्मीर में आम इंसान से लेकर फौजी कोई चीज ना बचे मेरे भाई। मैं हकीकत तुम्हें कहता हूँ जिनके बारे में मैं जानता हूँ, इन लोगों को भेजा जाता है दूसरे ममालिक में जहाँ पर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है दूसरे ममालिक को कि ऐसे ट्रेन होना है, इन्हें जंगल का कोई ऐसा जानदार नहीं है जिसकी जहर के बारे में इल्म ना और उसका तोड़ उसके जिस्म में। अच्छा, अपने फौजी को आप इतने काबिल समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा, एक मिनट मेरी बात सुन ले, बर्फानी इलाकों में इन लोगों को भेजा जाता अच्छा। है और अपने वजन से ज्यादा वजन इनके ऊपर लादा जाता है मेरे भाई, और ये सर तक लेकर पांव तक, सर से पांव से लेकर सर तक जो होते हैं गर्क होते हैं लोहे में मेरे भाई, और ये वो वजन अपने ऊपर उठा कर जाते हैं पहाड़ियों पर। इन्हें कोई आप कहते हैं कि आपको 8,000 फुट से गिराया जाता है, मैं कहता हूँ इसे 16,000 किलोमीटर से भी ऊपर से छलांग लगवाओ ना। नहीं, मैंने इनके बारे में पाकिस्तान के कमांडो के बारे में पढ़ा है कि अगर उनको दूसरी गैलेक्सी से भी छलांग मारने के लिए कहा जाए ना तो वो इतने ट्रेन है कि दूसरी गैलेक्सी से भी पाकिस्तान जमीन को देखेंगे, देखकर उधर पाकिस्तान को देखेंगे, देखकर उधर अपनी जो एरिया उधर जा रहे हैं। मैं इनके बारे में जानता हूँ कि अगर इन्हें ऑर्डर मिला है ना कि आपने ये काम गैलेक्सी से दूसरी तो वो मर जाएंगे मेरे भाई, पीछे नहीं हटेंगे, ये ऐसी ट्रेनिंग भाई मार्स से
पाकिस्तान कमांडो की जो सलाहित है कि मार्च से भी उनको छलांग लगानी पड़े, उधर से भी आकर उनको जो ऑर्डर मिले कि आप और एक और पार्ट इनका ऐसे ही है, उनके दोनों पांव मेरी बात सुन लो, उनके दोनों पांव और एक हाथ भी बांध दिया जाए ना और नदी में फेंक दिया जाए तो वो एक हाथ से भी बाहर आ सकते हैं मेरे भाई। आप कहते ना कि कीचड़ में, ये तो कोई बात ही नहीं है जो आप कहते भाई गुलजार। मैंने ये बात सुनी है पाकिस्तान के कमांडो के बारे में, ये बात भी है कि अगर आप क्यों जमीन के साथ तय हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि अगर वो सातवीं तय में भी मौजूद है। अगर आपने कुछ चुटकुले सुनाने हैं तो मेरे भाई कहीं और सुनाएं, बात सीरियस करें और जिसके बारे में आप जानते हैं। ओ यार इतनी छोड़े वो कहते इतनी फाड़े आप, कम सी आप ना थोड़ी सी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं अगर कोई मजाक ही सोचता है बात सुन यार मेरी बात सुन, मैं कहता हूँ कल को ये हालात बेहतर थे। अगर डाउट है आपको है या इंडियन व्यूअर्स को है तो आप अपने बेस्ट पांच कमांडो निकालें और हम यहाँ से बेस्ट निकालते हैं पांच, तो उनका कोई भी कोई इवेंट करवा ले, कोई मुकाबला करवा ले, तो मैं मान जाऊंगा कि बाकी आपके अच्छी है। बंदे तुम्हारे इतने अच्छे होते कमांडो तो आप इतने अवार्ड क्यों हारते, किसने आ रही है अवार्ड? जब पहली बात तो यह मानेंगे तो बात बनेगी। नहीं नहीं किसने आ रही है वो लाल मुसल्ली वाली बात है भाई गुलजार, मैं नहीं मानता भाई। बात छोड़ें, जो G20 सेगमेंट है वो कश्मीर में हो रहा है और जो ये फौजी हैं, जो सबसे बेहतर है जो पुलवामा हमला हुआ था कार के जरिए वो बम धमाके जो है वो लेकर आए थे, उसने अटैक किया था, उसने एक गाड़ी बनाई है स्पेशल कोई गाड़ी है कि भाई वो चेक करेगी कुछ रेंज तक कि वो किसी कार में वो ब्लास्ट का सामान है तो भाई बड़े काबिल हो गया है इंडिया के लोग, तो ये कामयाबी है इंडियन के लिए कि भाई वो ऐसी कार्स बना रहे हैं जिसमें ये अनासर लगाया जाए कि दूर दूर जो होगा ना उसको पता चल भाई वो काम करके दिखा रहे हैं, हम सब बातें कर रहे हैं, हम फेंकते हैं बड़ी बड़ी। और अगर हम काम नहीं करते तो जो अमेरिका और चाइना है ना अफगानिस्तान का मसला कभी हल नहीं होता मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो छगी होगी, वीडियो छगी तो हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नई वीडियो में नाट आप साथ, तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह।